आहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण के इस दिव्य संदेश के साथ कि हमारा जीवन आरोग्य हो, हमारा जीवन निरोगी हो और हम सब अपने आहार विहार को मन करो वचन को सात्विक आध्यात्मिक चेतना के साथ जोड़ते हुए हम आज कमर दर्द के अभ्यासों के साथ पेट के बल लेट के करने वाले अभ्यास आपको मैं करवा रहा हूँ। तो आइए, इसका नाम है मकर आसन। पेट के बल लेट गए, दोनों पैर को पीछे से सटाए हुए हैं आपस में खींच करके। अब दोनों हाथों को उठा करके ऐसे रखते हैं, ये हथेली सटा करके उस पर ठुड्डी रख दिया ऐसे और हाथ को यहाँ रख लिया। अब सांस भरते हुए एक एक पैर को नितंब में सटाएंगे। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को मोड़ा ऐसे, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस कर दिया, फिर सांस को भरते हुए बाएं पैर को उठाया फिर वापस कर दिया। अब अभ्यास कराते हैं, करिए इसका 10-12 अभ्यास। बहुत बढ़िया अभ्यास है, सांस भरते हुए मोड़ना, सांसों को छोड़ते हुए करना। आप लोग माता जी वहां से कर सकते हैं, मेरे किधर वो आगे की पूरा सांस भरते हुए मोड़िए। ये एरी को ना इसमें सटाते हैं नितंब में, समझ गए? सटेगा धीरे धीरे, सटाने का प्रयास करना है, सट जाए तो बढ़िया। अब इसका दूसरा अभ्यास करना है कि दोनों पैरों को फैलाते हैं, ऐसे फैला लिया। अब दोनों पैरों को फैला करके और एक साथ इसको मोड़ते हैं, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट की दूरी, और उठाया तो यहाँ सट गया दोनों तलवार। अब फिर ऐसे सटाते हैं नितंब की तरफ, फिर सांसों को छोड़ते वापस। वहाँ ऐसे हाथ नहीं रखना है माता जी, ये मैंने आज इसको रोक देते हैं। ये मकरासन का भी मैंने 2 अभ्यास करवाया।